मंगल मुखी सदा रखे सुखी। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि भगवान श्री राम के हर मुश्किल वक्त में बजरंग बली साये की तरह उनके साथ रहे। बात चाहे लक्ष्मण को जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी लाने की हो या फिर सीता माँ की खोज, पवन पुत्र हमेशा भगवान श्री राम के साथ रहे। अपने भक्तों के मुश्किल वक्त में हनुमान जी कभी उनका साथ नहीं छोड़ते हैं। यूं तो बजरंग बली चुटकी भर सिंदूर से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन उनकी असीम कृपा पाने के लिए कौन कौन सी चीजें चढ़ानी चाहिए ये हम आपको बताते हैं। तमाम चीजों में से सिंदूर हनुमान को सबसे ज्यादा भाता है। कहा जाता है कि मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करने से ग्रह दोष भी शांत हो जाते हैं। सिंदूर को अर्पित करने से पहले इसे बेल पत्र में रखकर अर्पित करना चाहिए, तो वहीं चमेली का तेल चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है। लेकिन चमेली का तेल खाली नहीं बल्कि सिंदूर के साथ मिलाकर चढ़ाना चाहिए। तुलसी का पौधा जितना गुणकारी है उतना ही पवित्र माना जाता है। तुलसी चढ़ाने से न सिर्फ अंजनी पुत्र प्रसन्न होते हैं बल्कि जिंदगी में भी सुख समृद्धि आती है। भोग में पवन पुत्र को बूंदी के लड्डू सबसे ज्यादा भाते हैं। माना जाता है कि बजरंग बली को बूंदी के लड्डू सबसे ज्यादा प्रिय हैं। इसके अलावा हनुमान की कृपा पाने के लिए उन्हें चोला चढ़ाना चाहिए। जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से मंगलवार को केसरी या फिर लाल रंग का चोला हनुमान को पहनाता है उसकी मनचाही मुराद पूरी हो जाती है। अगर आप भी दुख हरता पवन पुत्र हनुमान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इन उपायों को जरूर अपनाएं। NMF न्यूज की रिपोर्ट।